मोती डोंगरी गणेश जी का जन्मोत्सव 24 से 31 अगस्त तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 24 अगस्त को 1.25 लाख मोदकों की झांकी सजाई जाएगी। 25 अगस्त गुरुवार को पुखेण पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। वहीं 26 अगस्त शुक्रवार को ध्रुपद गायन होगा, तो वहीं 27 और 28 अगस्त को कथक, 29 अगस्त सोमवार को सुगम संगीत का आयोजन किया जाएगा, 30 अगस्त मंगलवार को मेहंदी पूजन का कार्यक्रम होगा। मुख्य उत्सव 31 अगस्त को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अगले दिन 1 सितंबर को 2 साल बाद गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। चौबीस अगस्त को जो मोदक झांकी होगी उसमें 2 मोदक 251 किलो के, 5 मोदक 51 किलो के, 21 मोदक 21 किलो के, 1,100 मोदक करीब 1.25 किलो के और बाकी छोटे मोदक भगवान के अर्पित किए जाएंगे और करीब भक्तों द्वारा 30 से 40 हज़ार मोदक अर्पित किए जाएंगे मंत्रोच्चार के साथ। आरतियाँ इनकी प्रातः 5 बजे से ये झांकी सज जाएगी और रात्रि 10:30 बजे तक शयन आरती होगी, उसके साथ गांध झांकी बड़ी होती जाएगी। कोरोना काल की वजह से हम लोग गणेश जी की शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, क्योंकि इस वर्ष सब कुछ अनुकूल वातावरण है तो इस वर्ष हम गणेश जी की एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। पूर्व की भांति इस बार की शोभा यात्रा में हमारे लोगों में और जनता के अंदर जिनको भी जानकारी मिल रही है बहुत ही उत्साह और उमंग है, और जो पिछला जो 2 साल का कालखंड हमारा निकला है उस सबको पूरा करने का ऐसा हमारा विश्वास है। इस बार की शोभा यात्रा विशेष शोभा यात्रा रहेगी, इसमें कुल 25 इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ रहेंगी जिसमें अलग अलग रूप में गणेश जी महाराज का जो कृत्य है और उनकी क्रीड़ाएँ हैं बताई जाएंगी। 3 जो इसमें मुख्य झांकियाँ हैं जिसमें एक बड़ी झांकी है नौबत नगाड़ा वो रहेगी, एक त्रिपुलिया गेट से गणेश जी की बारात ऐसे करके एक बड़ी झांकी निकाली जाएगी, और इस वर्ष चूँकि स्वतंत्रता का 75वां महोत्सव है तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए गणेश जी के आशीर्वाद से स्वतंत्रता का 75 महोत्सव पे भी एक विशेष